मैं राम मिलन सिंह, पनीरा इंटर कॉलेज पनीरा, हिंदी प्रवक्ता। आज हिंदी विषय के अंतर्गत रस विषय पर दृष्टिपात किया जाएगा। छात्रगण ध्यान से सुने। रस कविता, कहानी, उपन्यास, नाटक, साहित्य के विविध विधाओं को पढ़ने, सुनने और देखने से जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे हम रस कहते हैं। अनेक रसाचार्यों ने अपनी अनुभूतियों के आधार पर रस की भिन्न भिन्न परिभाषाएं दी हैं। विभिन्न विद्वानों की रस के प्रति अवधारणा अनेक तरह से हैं। नाट्यशास्त्र के प्रणेता भरत मुनि ने प्रथमतः रस का उल्लेख अपने नाट्यशास्त्र में किया है। उनके अनुसार विभावानुभाव, व्यभिचारी संयोगाद रस निष्पत्ति, जिसका अर्थ हुआ विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भावों के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। विद्वानों ने रस को कुल 10 भागों में विभक्त किया है। 10 भाग बताए गए हैं रस के, लेकिन रस जानने के पहले हमें जानना है कि रस के अवयव क्या हैं। रस का आधार भाव होता है। मन के विचार को भाव कहते हैं। ये भाव दो प्रकार के होते हैं, पहला अस्थाई भाव, दूसरा संचारी भाव अथवा व्यभिचारी भाव। हम अस्थाई भाव पर दृष्टिपात करते हैं तो रति होता है, लेकिन अस्थाई भाव के पहले हम रस पर दृष्टिपात करते हैं तो ये रस होते हैं श्रृंगार रस, हास्य रस, वीर रस, रौद्र रस, भयानक रस, विभत्स रस, अद्भुत रस, शांत रस, वात्सल्य रस। इन रसों के अस्थाई भाव जो हैं रति, हास, उत्साह, क्रोध, भय, जुगुप्सा, विस्मय, निर्वेद, वत्सलता, इस तरह के उनके रस भी होते हैं, रसों के अस्थाई भाव भी होते हैं। जैसा कि रस के अवयव में बताए गए कि दो तरह के होते हैं, अस्थाई भाव और संचारी अथवा व्यभिचारी भाव। अस्थाई भाव क्या होते हैं इसको थोड़ा सा देख लिया जाए। जो मुख्य भाव किसी अन्य से दबाया ना जा सके और हृदय में चिरकाल तक रहकर उसे तन्मय कर दे तथा पुष्ट होकर रस में परिणित हो जाए उसे अस्थाई भाव कहते हैं। रस जन्मजात होते हैं। ये रस जब बालक का जन्म होता है प्रकृति प्रदत्त होता है। ऐसा नहीं इसके लिए किसी औषधि की आवश्यकता होती है, किसी तत्व की आवश्यकता होती है। ये रस प्रकृति प्रदत्त हैं, अपने आप शरीर में विद्यमान होते हैं, आवश्यकता के अनुसार ये प्रफुटित होते हैं। अभी कोई व्यक्ति हंस रहा है, संगीत कर रहा है, लेकिन अचानक उसे किसी प्रिय वस्तु के अनिष्ट होने की सूचना मिल जाए तो वह करुण क्रंदन करने लगता है। किसी औषधि की आसेवन नहीं किया फिर भी उसके हृदय में ऐसी भावना हो जाती, करुण क्रंदन करने लगता है। अभी यह व्यक्ति सामान्य है, शांत भाव है, निःसंतान है, उसे संतान रत्न की प्राप्ति की सूचना मिल जाती है, वह आह्लादित हो जाता, शांत रस समाप्त हो जाता है, उसके अंदर तमाम आवेग आ जाते हैं, प्रसन्न हो जाता है, आह्लादित हो जाता है।
प्रसन्नता से परिपूर्ण हो जाता है। तो ऐसी दशा में ये रस शरीर में अपने आप विद्यमान होते हैं। उदाहरण के लिए आप जान लें, थोड़ा विषय वस्तु से हटकर, बिजली के बोर्ड हैं घर में, हमें जिस बल्ब की आवश्यकता होती है उस स्विच को ऑन करते हैं, टीवी चलाना है टीवी का बटन दबाते हैं, प्रेस करना है प्रेस का बटन दबाते हैं, लाइट की जरूरत हो लाइट का बटन दबाते हैं, वो अपने आप बोर्ड में है। उसी तरह से मेरे शरीर में सभी रस विद्यमान हैं और वे रस उपयुक्त समय प्राप्त होने पर वे जागृत हो जाते हैं, जिसे हम रस कहते हैं। अब हम देखेंगे रसों के प्रकार। ये रस मूलतः नौ होते हैं, किंतु बाद में इनका विकास भी हो गया। नौ के बाद अब 10 रस हुए, 10 के बाद 11वां रस भी माना जाता है, जिसकी चर्चा आगे की जाएगी। नंबर रसों का जो है वह प्रथम में रति, हास, शोक, क्रोध, उत्साह, भय, जुगुप्सा, विस्मय, निर्वेद और इसके साथ साथ वात्सल्य रस। सूरदास द्वारा जो वात्सल्य वर्णन है, वात्सल्य रस, और एक उसके बाद भक्ति रस का भी उदय हुआ है, जिसे भक्ति रस के भी नाम से जानते हैं। इसमें हम प्रकाश डालेंगे रति। रति में रति स्त्री पुरुष के पारस्परिक प्रेम भाव को रति कहते हैं। यह श्रृंगार रस का अस्थाई भाव है। जब नायक या नायिका आपस में वार्ता, प्रेम, स्पर्श करते हैं, चुंबन आदि क्रिया को रति अर्थात श्रृंगार रस में भी दो भाग होते हैं, जैसे संयोग श्रृंगार और वियोग। तो संयोग में भी जब स्त्री पुरुष जब आपस में रति क्रिया, प्रेम वार्तालाप, मधुर स्पर्श, चुंबन आदि क्रिया करते हैं, तो वहाँ पर संयोग श्रृंगार होता है, वहीं पर वियोग अथवा विप्रलम्ब श्रृंगार हो जाता है। जहाँ पर नायक नायिका के बीच संभावना बनी रहती है मिलन की, किंतु मिलन कतिपय कारणों से नहीं होती, लेकिन हृदय में यह उद्गार है, यह व्यथा है, दुख है, उत्साह भी है कि मिलन होगा, ऐसी दशा में वहाँ पर विप्रलम्ब श्रृंगार, वियोग श्रृंगार आता है। मैं चर्चा कर रहा था अस्थाई भाव की, तो रति हुआ। रति के बाद हास, किसे अंग, वेशभूषा, वाणी आदि के विकार से उत्पन्न प्रफुल्लता को हास कहते हैं, और यह हास रस का अस्थाई भाव होता है। इसके बाद शोक, शोक इष्ट के, प्रिय वस्तु के, इष्ट के अनर्थ अथवा नाश के कारण मन में उत्पन्न व्याकुलता को शोक कहते हैं, यह करुण रस का अस्थाई भाव है। क्रोध, अपना काम बिगाड़ने वाले व्यक्ति को दंड देने के लिए उत्तेजित करने वाली मनोवृत्ति को क्रोध कहते हैं। अब श्रृंगार रस के विषय में थोड़ी चर्चा की गई है पहले ही, तो नायक नायिका के पारस्परिक प्रेम श्रृंगार रस की निष्पत्ति होती है। श्रृंगार रस के दो भेद हैं, संयोग श्रृंगार और विप्रलम्ब अथवा वियोग श्रृंगार, इसकी चर्चा कर किया गया है। फिर आप देख लें, पुरुष और स्त्री के पारस्परिक दर्शन, आलिंगन, संलाप, चुंबन, स्पर्श आदि के संयोग को श्रृंगार रस की उत्पत्ति होती है, जिसे श्रृंगार रस कहते हैं। जैसे दूल्हे श्री रघुनाथ बने, दुल्ही सी सुंदर मंदिर माही, गावत गीत सबै मिले सुंदरी, वेद जुआजुर विप्र पढ़ाही, राम के रूप निहारत जानकी, कंगन के न की परछाही, यात सबै सुध भूल गई, कर टेक नहीं पल टारत नाही। गोस्वामी दास जी ने अपने पुस्तक रामचरितमानस में इसको लिखा है। यहाँ सीता का प्रतिम आलंबन है और श्री राम आश्रय परस्पर दर्शन द्वारा वे रति भाव की उत्पत्ति करते हैं। परस्पर टकटकी लगाकर देखना और सखियों का गीत गाना उद्दीपन भाव है। निर्मिषे अर्थात टकटकी लगाकर देखने रहना अनुभाव है। वियोग में नायक और नायिका के संयोग में के अभाव में वियोग श्रृंगार की उत्पत्ति होती है। ये उम्मीद बनी रहती है मेरा मिलन होगा, कब होगा, उस कब के
आशा में नायक नायिका एक दूसरे को बहुत लंबे काफी समय तक प्रतीक्षा किया करते हैं, जिसे हम वियोग श्रृंगार कहते हैं। ये उदाहरण देखा जा सकता है कि श्याम सुरति करी राधिका तकति तरणी जातीर असुमन करति सारास को खिन खौरौ नीर। यहाँ रति अस्थाई भाव, कृष्ण आलंबन, राधिका आश्रय, यमुना का काला जल उद्दीपन, अश्रु अनुभाव तथा स्मृति और आत्सुक संचारी भाव है। इसके बाद हम हास्य रस पर देखते हैं। विकृत वेशभूषा वाली कार्य चेष्टादि से हास्य रस की उत्पत्ति होती है, अर्थात शरीर का ऊपरी भाग बहुत मोटा तगड़ा हो, निचला भाग बहुत दुबला पतला हो, पेट निकला हुआ हो, आंखें छोटी छोटी हों, दांत बड़े बड़े निकले हों बाहर, ऐसी आकृति को देखकर अचानक ही व्यक्ति को देखकर हास परिहास करने लगता, लोटपोट हो जाता है, हंसने लगता है, तो वहां पर हास रस का उदय होता है। जैसे पुनि पुनि मुनि उक सही अकुलाही अदेख दशा हरिगन मुस्काही। इसके पहले हाई स्कूल में भी लिखे हैं, विंध्य के वासी उदासी तपोव्रतधारी महाबिनु नारी दुखारे, इसको भी देखा जा सकता है। इसके बाद हम रौद्र रस पर आते हैं। अपनी अथवा अपने प्रिय की निंदा, हान, विरोध आदि से रौद्र रस की उत्पत्ति होती है। उदाहरण के लिए इसको कहा जा सकता है कि भाखे लखन कुटिल भई भाव हैं, रद पट फरकत नयन रिसाव। यहाँ क्रोध अस्थाई भाव, राजा जनक आलंबन, लक्ष्मण आश्रय, जनक के वचन उद्दीपन, भावों का टेढ़ा होना, रडपत अर्थात रो ओठों का फड़कना अनुभाव और अमर्ष संचारी भाव है। अब इसके बाद हम वीर रस पर दृष्टिपात करते हैं। युद्ध अथवा अन्य दुष्कर कार्य करने के लिए उत्पन्न उत्साह से वीर रस की उत्पत्ति होती है। जैसे धनुषभंग के समय का है कि जाओ राउर अनुशासन पाओ, कंदुक ईव ब्रह्मांड उठाओ। लक्ष्मण जी नाराज हो जाते हैं, वे कहते हैं कि हे प्रभु, अगर आपकी अनुमति मिल जाए तो इस संपूर्ण वसुंधरा को ही गेंद की समान मैं उठाकर इधर उधर कर दूं। तो यहाँ उत्साह अस्थाई भाव, राजा जनक आलंबन, लक्ष्मण आश्रय, जनक के वचन उद्दीपन, लक्ष्मण का कथन अनुभाव और उग्रता संचारी भाव है। भयानक रस, भयानक वस्तु को देखने से भय उत्पन्न होता है, भयानक रस की उत्पत्ति होती है। जैसे एक ओर अजगर ही लखी, एक ओर मृग राय, विकल बटोही बीच ही परियो मूर्छा जाए। यहाँ भय अस्थाई भाव, अजगर और सिंह आलंबन, बटोही आश्रय निर्जन स्थान तथा अजगर और सिंह दोनों बटोही को घेरा जाना उद्दीपन, बटोही का विकल और मूर्छित होना अनुभाव और अपस्मार संचारी भाव है। अब विभत्स रस, विभत्स रस में घृणा उत्पन्न करने वाली वस्तु को देखकर विभत्स रस की उत्पत्ति होती है, अर्थात अगर कहीं हमें पता चले, रास्ते में हम देखते हैं कोई कुत्ता है, उसमें मरा हुआ है, जीव पड़े हुए हैं, बदबू कर रहा है, वहाँ जाने पर नाक भौं सिकोड़ लेते हैं, हृदय व्यथित हो जाता है, ऐसे में विभत्स रस होता है। उदाहरण के लिए कहूँ लागत को चिता कहूँ ओढ़ जाति बुरा बुझाई, एक लगाई जाति एक की राख बहाई। इसमें रौद्र रस में अस्थाई भाव का भेद है, इसके अतिरिक्त नेत्रों से सुख की लाली आदि अनुभाव केवल रौद्र रस में होते हैं। विविध रंग की उठत ज्वाल दुर्गंध महकत, कहूँ चर्बी चटपटत कहूँ दह 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 कत। यहाँ पर जुगुप्सा अस्थाई भाव, जलता हुआ सौ आलंबन, राजा हरिश्चंद्र का आश्चर्य दुर्गंध, चर्बी का चटपटना आदि उद्दीपन, घृणा होना और त्रास संचारी भाव है। अब इसके अद्भुत रस, आश्चर्यजनक वस्तु के वर्णन से अद्भुत रस की उत्पत्ति होती है। जैसे लीना उखार पहाड़ विशाल, चले होते ही काल विलंब न लायो,
मारुत नंदन मारुत को मन को खगराज को वेग ल जायो। यहाँ विस्मय अस्थाई भाव द्रोणाचल पर्वत को ले जाते हुए हनुमान आलम्बन दर्शकगण आश्रय पूर्वक वेग से आकाश मार्ग में जाना उद्दीपन गदगद होना अनुभव और रस संचारी है। शांतरस शांतरस में वैराग्य से शांतरस की उत्पत्ति होती है। जैसे अब लो नसानी अब न नसिंहों राम कृपा भव निशा सिरानी जाके फिर नट सिंहों श्याम रूप सुचि रुचिर कसौटी चित्त कंचन नहीं कसिंहों पर बस जान हँस्यों इन इंद्रिन निज बस हैं न हँसिहों मन मधुकर पन कर तुलसी रघुपति पद कमल बसिहों। यहाँ पर निर्वेद अस्थाई भाव है, सांसारिक असत्यता इंद्रियों का उपहास उद्दीपन भाव स्वतंत्र होने तथा राम के चरणों में रति होने का कथन अनुभव श्रुति और मति संचारी भाव है। वात्सल्य रस वात्सल्य रस में बच्चों की बात सुलभ मानसिक क्रियाकलाप से संबंधित वर्णन से जो वात्सलता उमड़ती है वह वात्सल्य रस की सृष्टि करती है। वात्सल्य रस के को दो भागों में विभाजित किया गया है, संयोग वात्सल्य रस और वियोग वात्सल्य रस। पहला उदाहरण संयोग वात्सल्य रस का देखें, वरदंत की पंगत कुंदकली अधराधर पल्लव लोचन की चपला चमके घन बीच जगह छवि मोती माल अमोलन की घोघराए लटें लटके मुख ऊपर कुंडल लाल कपोलन की न्योछार प्राण करें तुलसी बलि जाक बला इन बोलन की। इसी में दूसरा जो है वियोग वात्सल्य रस पर दृष्टिपात कर लें, संदेशा देव की सो कहियो हाँ तो छल तिहारे सुत की कृपा करत ही रही है तुक तौ टेव जानती ही हम ही तौ तो मोहि कहीं आवे प्रात उठत मेरो लाल लड़ते माखन रोटी भाव। तो इस प्रकार से वात्सल्य रस और भक्ति रस में जहाँ पर भक्त अपने आराध्य की भक्ति में लीन होता है तो वहाँ पर भक्ति रस होता है। वहाँ पर जैसे कबीरदास ने अबलौ कहा नसानी अबला नसिंहों इस प्रकार का उन्होंने जो दिया है तो भक्ति रस का है। अब रस इसी पर समापन होता है। Thank you.